अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम मेरे रहमान अनवर मैं हूँ और मैं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर। तो देखते हैं वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। बैठने वाली जगह जस्ट लिए
केजरीवाल। केजरीवाल के पीछे तस्वीर लगी। अभी भी काम बोर्ड डेवलपमेंट अभी काम चल रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन। अच्छा सारा घूम कर रहा है सीधा फिर से यहाँ पर। बिल्कुल यार बहुत प्यारी वीडियो थी यार। एक क्या खूबसूरत अंदर से बना हुआ यश भूमि। क्योंकि एक पहले जब देखा था बाहर से सारे व्यू देखे थे बहुत प्यारा काम था भी जा रहा था, लेकिन एक आज फर्स्ट टाइम वीडियो में हम एक अंदर से देख रहे हैं एक एक पूरा ऐसे ना एक जैसे ज़्यादातर हम देखते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं जैसे इंडिया में देखते बहुत प्यारे प्यारे बने होते हैं, सेम आज वही एक लग रहा था कि जैसे वही एक देख रहे हैं कि जैसे अंदर से एक एक हर चीज़ मेंटेन की गई है। या एक जो एक इंटर होने से पहले जो रोड पर ऊपर ऐसे बनाई हुई है ना वो छत सी वो काफ़ी प्यारी है यार। वो पता नहीं वाइट सी वो किस चीज़ की बनाई हुई है, ग्लास भी लगे हुए तांबे की बनाई लेकिन वाकई काफ़ी ना एक मॉडर्न भाई एरिया था, एक मतलब कि एक एक नेचुरल को लेकर वो उस पर काफ़ी वर्किंग की गई है। और बहुत बड़ी बात होती है यार जो एक प्लानिंग करता है ना इस पर सबसे। अब देखो ना एक हर चीज़ है मतलब कि रोड्स वगैरह एक क्लीन है हर चीज़ है, लेकिन ग्रीनरी को कहीं ना कहीं मैनेज ज़रूर करके रखा हुआ है, चाहे मतलब कि बीच में एक रोड के चाहे साइड में हो जाए लेकिन उस चीज़ को ज़रूर एक ना एक रखा गया है मतलब कि सबसे पहले। और बहुत अच्छी बात है कि एरिया भी वही है कि नेचुरली और ग्रीन ही भाई खूबसूरती बना रहा है उसमें। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई एक बहुत कमाल की चीज़ बन गई। देखो ना एक थ्री पॉइंट कुछ जो है ना वो एक बिलियन डॉलर इसके ऊपर एक खर्चा आ गया, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना एक पैसा लग चुका है। और बहुत बड़ा एक कन्वेंशन सेंटर है, और उसके अलावा भाई आप देखो ना तकरीबन 35,000 के करीब सिर्फ वहाँ पर आप पार्किंग में गाड़ियाँ लगा सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक कितनी बड़ी एक चीज़ उन्होंने बना दी है। उससे हट के भाई एक 3 लाख प्लस एक लोगों की गुंजाइश है वहाँ पे एक बैठने की, या मतलब एक देखो ना बहुत बड़े बड़े इवेंट यहाँ पे एक होते हैं, शायद एक आध हमने कोई देखा भी हो जो कि इसके अंदर एक ऑर्गेनाइज किया हो। लेकिन ये कि एक प्रीफ्रेंस देख लो कि एक जो है ना वो एक छोटी मोटी चीज़ ये नहीं बनाई, लेकिन बिल्डिंग बहुत खूबसूरत आप इंट्री गेट देख लें और एक जो एक इंफ्रा एक
बनाया है वो भी एक कमाल का था भाई। उसके अलावा एक भाई जो खुश हुआ है ना, वो जो पास से जहाज गुजर रहे थे ना बार बार, उसको देख के जो है ना वो काफ़ी खुश हुआ। लेकिन भाई जितना भी एरिया 3 लाख जितना भी एक एरिया वो सब के अंदर एक वाईफाई की एक पहुंच है कि आप कहीं भी बैठ के एक वाईफाई अडाए। लेकिन ये कि अभी जब एक आगे इसके ऊपर मजीद काम होगा, आसपास की जो मतलब एक रोड्स वगैरह या जो एक जो वो ब्रिज वगैरह बन रहे हैं वो भी एक कमाल का, ये एरिया बहुत भी खूबसूरत वो बना रहे हैं। बिल्कुल बहुत प्यारा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।